हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। तो आज ना दिल्ली में बहुत तेज बारिश लगी हुई है और आदि और तमन्ना भी छत में भीग रहे हैं और मैं भी भीग रही थी, तो अब मैं नीचे आ गई और आदि और तमन्ना अभी तक भीग ही रहे हैं छत में। अब आ गई तमन्ना भी और मौसम बहुत अच्छा हो गया। कल तो इतनी गर्मी थी और आज मतलब मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और सबके लिए दिल्ली में बहुत अच्छा हो गया मौसम। तो ना हम तो भीग गए, आदि भी आ गया, आदि नहा रहा है। तो आदि का मन ही नहीं कर रहा नीचे आने का। तो ना आदि भी आ गया है, वो ना बाथरूम में नहा रहा है और अभी राहत मिल गई। बहुत तेज बारिश आ रही है, अभी भी आई रही है बारिश। और जब हम गए नहीं था भीगने ना, जब हम गए नहीं थे ना भीगने, तो उससे पहले बहुत तेज बिजली कटती थी ना। अभी हमने पंखा बंद कर रखा है पर अभी पता नहीं चल रहा कि हमने पंखा बंद कर रखा है, मतलब वैसे ही है नॉर्मल। तो चलो अब हम खाना खाते हैं और आप लोग भी खाओ खाना और उसके बाद हम सोएंगे। और मुझे ना अपने लिए पेपर, मतलब अपने पेपर की तैयारी भी करनी है, कल मेरा पेपर है हिंदी का। तो ना मुझे ना मेरी मैम ने ना क्लास का मॉनिटर बनाया है और मुझे बड़ा मजा आएगा मॉनिटर बनने में। तो ये बनाया है मैंने इंडिया गेट, जो मैं कह रही थी। और ना अभी आपको ना इसमें नाम उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि हम फ्रंट कैमरे से फोटो बना मतलब वीडियो बना रहे हैं। और देखो, और ना मैंने ना अच्छे से नहीं बनाया क्योंकि ना एक दिन में पूरा कंप्लीट करना था, क्योंकि मैं ना हॉलीडेज में नहीं बना पाई थी मैं, तो मैंने एक ही दिन में कंप्लीट किया, तो मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बना पाई। और मैंने साइड साइड में नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो ये बना रखा है तमन्ना ने इंडिया गेट। और ये ना मैंने ना पेपर से ही बनाया है, ये फ्लैग नहीं है, रेडीमेड नहीं है, मैंने हैंडमेड बनाया है फ्लैग। तो कैसा लगा आपको मेरा इंडिया गेट, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा इंडिया गेट। और ना अगर हमारे पास स्मॉल लाइट होती ना डोरेमोन की तरह, तो हम स्मॉल होके जा सकते थे इसके अंदर। मुझे ना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ना ड्राइंग और पेंटिंग करने में आता है। मुझे ना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ड्राइंग और पेंटिंग। और मामा भी पेंटिंग करता है, तो मैं मामा से भी सीख लूंगी थोड़ा बहुत। और मामा ने वैसे बोला है कि सैटरडे संडे मेरे घर आना और मैं ड्राइंग सिखाऊंगा, ड्राइंग और पेंटिंग। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ड्राइंग और पेंटिंग। और अगर कोई भी पार्टिसिपेट होता है ना ड्राइंग और पेंटिंग में, तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करती हूँ। तो ये देखो मम्मी भीगने लग गई है बारिश में। और ना आज तो बहुत तेज बारिश आ रही है। हाँ, और अभी ना एक जगह ना बिजली भी गिरी बहुत तेज, मतलब बहुत तेज आवाज आई थी। और इसको देखो, और ना आंची ना मम्मी की गोद से जा ही नहीं रही, मतलब मम्मी के ही पास रह रही। अगर मैं उसको ले जा, उसकी मम्मी अगर उसको ले जाने ना बारिश में, रोने लग जा रही है। और जैसी मेरी देखना कितनी तेज बारिश लगी हुई है। भीगो तो देखना, उई तो देखना, बच्चे मजा ले रहे हैं बारिश का। बच्चे मजा ले रहे हैं बारिश का। बारिश में भीगने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो बोल रही हूँ भगवान पूरे दिन बारिश बंद ना हो, आज पूरे दिन बारिश रहेगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा। देखना आदि को, देखना आदि और डुबू और तमन्ना और माई पता नहीं कहाँ गई अभी। तो अभी ना हम ना मार्केट जा रहे हैं और ना हम वहाँ से ना मामा के घर भी जाएंगे कैप्टन को देखने, क्योंकि ना मामा कहीं जा रखे हैं। तो मामा ने बोला कैप्टन को भी देख लेना कि वो मतलब क्या कर रहा है घर में, क्योंकि ना जब हम ना मामा ना बर्थडे के लिए ना यहाँ आया था ना आदि के, तो ना कैप्टन ने ना पूरे घर में मतलब उद्दम मचा रखा था, यहाँ से चीजें वहाँ, मतलब पूरा खरा मतलब इधर उधर फैला रखा था सामान। पहले हम कैप्टन को देखने जाएंगे, उसके बाद मंडी जाएंगे, जब भाई और आ जाएंगे तो फिर मंडी चले जाएंगे। आदि अभी सो रखा है, आदि की तबीयत ना ढीली है थोड़ा, तो चलो मैं और तमन्ना सब्जी लेके आ जाते हैं। हम जैसे ही घर से बाहर निकले, मतलब कमरे से बाहर निकले ना, देखा तो बारिश हो रही थी और अब हम जा रहे हैं मंडी। देख अंधेरा भी हो गया। हाँ, तो ना मामा के घर पहुँच गए और कैप्टन तो आराम से बैठा हुआ था, और ना मतलब आराम से बैठा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहता, बैठा हुआ था बस। और बाहर ना बहुत तेज बारिश हो रही है। और ना जैसे हम अंदर घुसे ना, कैप्टन ना मम्मी के साथ जाने लग गया। तो देखो कैप्टन तो बस मजे में खा रहा है और सो रहा है। और ना जिस दिन मामा और ना मतलब आदि के बर्थडे मना के घर आए थे ना, तो उस दिन ना इसने ना देवान जी का हेयर बैंड भी तोड़ रखा था। तो जब हम आए थे ना,
तो ये मतलब अपने में मस्त हो रहा था ना, मतलब खेल रहा था। आज ना इसने उल्टे काम नहीं किए थे। अन्ना बारिश हो रही है, अन्ना अभी मैं कैप्टन के साथ खेल रही हूँ और देखते हैं हम कब जाते हैं मार्केट। अंधेरा भी हो गया और बारिश भी हो रही है। तो ना आदि को ना फीवर भी है, तो मम्मी ने उसे दवाई दे रखी है और घर में ना सो रखा है वो। और वो मम्मी ने उसे मार्केट भी नहीं लाई क्योंकि मतलब बाहर बारिश भी हो रही थी और वो सो भी रखा था। मम्मी ने क्या बोला कि क्या उठाना, तो मम्मी ने सोने दिया। और तो ना हम मंडी जाएंगे अभी और देखते हैं मार्केट खुला हुआ है या नहीं। और जैसे ही मामा आने लग जाएंगे ना, वहां से निकल जाएंगे मामा, तो फिर हम ना घर चले जाएंगे क्योंकि घर में आदि भी है। तो देखना कैप्टन कैसे खेल रहा है। कैप्टन तो अब हम घर जा रहे हैं। हमने ना कैप्टन के साथ खूब खेल लिया है और ना ही खेल रहा है वैसे मम्मी। और अब हम मार्केट जाएंगे क्योंकि ना मम्मी को ना घर में खाना बनाना है और आदि घर में है। तो चलो चलते हैं मार्केट। तो चलो अब चलते हैं घर, मामा भी 10 मिनट में आ जाएंगे। मामा निकल गए हैं वहां से। मैं और तमन्ना अब मंडी जाएंगे, बारिश थोड़ा बंद हो गई है और उसके बाद हम सीधे घर चले जाएंगे। अब कैप्टन अकेला रहेगा 10 मिनट तक और भैया और अभी आ रहे हैं। कैप्टन ले बाय, कैप्टन बाय। तो मैं और तमन्ना अभी पहुंचे घर और आदि ना अभी तक नहीं उठा। आदि को बुखार आ रखा है बहुत तेज और उसके पापा भी आ गए। हमें तो लगा सो मतलब उड़ गया होगा, अभी तक सो ही रखा है वो। तो आदि अभी तक भी सो रखा है। आदि को ना अभी भी बुखार है, इसका सर तचा हुआ है और इसके पापा भी आ गए थे। जब तक हम आए घर में तो इसके पापा आ गए थे घर। अब इसको ना उठा के और थोड़ा खाना खिलाऊंगी, उसके बाद दवाई दूंगी। इसे सब्जी ले आई हूँ और बारिश भी बंद हो गई है। अब मैं सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, आदि को खिलाऊंगी, उसके बाद दवाई दूंगी। और तमन्ना तब तक पढ़ाई करेगी क्योंकि आजकल तमन्ना के ना पेपर हो रहे हैं, ड्यूटी चल रहे हैं और आदि के भी एग्जाम चल रहे हैं। यूटी चल रहे हैं और देखते हैं कल आदि स्कूल जाता है कि नहीं जाता। वैसे तो ठीक हो जाएगा दवाई देके। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।